वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम पढ़ रहे थे टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल को डील कर लिया था, उसको पढ़ लिया था कि टीनिया सोलियम की बॉडी जो होती है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं वो हमने देख ली थी। आज हम टीनिया सोलियम के अंदर नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे दो सिस्टम, फर्स्ट एक्सेक्टर सिस्टम। एक्सेक्टर सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र, तो सर्जन। और दूसरा इसी के साथ हम एक और सिस्टम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ठीक है, तंत्रिका तंत्र, इन दोनों को आज हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो टीनिया के अंदर उत्सर्जन के लिए दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है फ्लेम सेल्स और दूसरी होती है प्रोटोनेफ्रिडियल सेल। फ्लेम सेल्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं। और प्रोटोनेफ्रिडियल सेल को हम हिंदी में बोलते हैं आदिवृक्क कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, आदिवृक्क कोशिकाएं। अब अगर हम बात करें कि इनको आदिवृक्क क्यों बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हायर एनिमल होते हैं उनके अंदर एक्सेप्टर सिस्टम के लिए नेफ्रिडियल सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ इनवर्टिब्रेट के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं, तो इनवर्टिब्रेट के अंदर नेफ्रिडियल सेल्स तो प्रेजेंट होती हैं बट दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। नेफ्रिडियल सेल्स जो होगी वो क्या होगी, इनवर्टिब्रेट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट में वो वेल डेवलप नहीं होती हैं। तो इसी के लिए क्या होता है, उनके अंदर प्रोटो का मीन होता है प्रिमेटिव, ठीक है। इसलिए उनके अंदर जो स्ट्रक्चर हम मोस्ट ऑफ दी देखते हैं वो स्ट्रक्चर हमें कैसी दिखाई देती है, प्रिमेटिव स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए प्रोटो जो होता है या प्रिमेटिव जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आदि। आदि मतलब पुराना, इसीलिए इनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आदिवृक्क कोशिकाएं। अब ये जो फ्लेम सेल्स होती है, तो फ्लेम सेल्स के स्ट्रक्चर मैंने आपको फेसियोला के अंदर बता दी थी कि फ्लेम सेल्स जो होती है वो किस तरह की होती हैं, इस तरह की बल्बनुमा संरचना होती है, ठीक है। इसके चारों ओर कुछ इस तरह के सूडोपोडिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस अपन को देखने को मिलता है, नीचे की तरफ लंबे लंबे सीलिया देखने को मिलते हैं, ग्लोब्यूलर सेल छोटी छोटी सी हमको दिखाई देती है इसके अंदर, इस तरह की फ्लेम सेल्स जो होती है वो पाई जाती है। तो टीनिया के अंदर भी फ्लेम सेल्स के स्ट्रक्चर सेम ही होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो एक्सेप्टर सिस्टम होता है तो वो किस तरह से होता है। तो हम बात कर रहे थे एक्सेप्टर सिस्टम की टीनिया सोलियम के अंदर। टीनिया सोलियम के अंदर अगर एक्सेप्टर सिस्टम की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। उसमें सबसे ऊपर की तरफ जो होता है वो रोस्टेलम पाया जाता है। कल मैंने आपको टीनिया सोलियम का उसका जनरल जो डायग्राम, मतलब जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने जनरल डायग्राम की बात की थी, तो उसके अंदर देखा था हमने कि टीनिया सोलियम का जो जनरल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जा रहे थे, हुक्स पाए जा रहे थे, और ये वाला जो एरिया था वो रोस्ट्रम वाला एरिया था। तो इसी रोस्ट्रम वाले एरिया के नीचे की तरफ इसके अंदर बहुत सारी प्रोटोनेफ्रिडियल, ये वाला जो ब्लू वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी प्रोटोनेफ्रिडियल प्लक्सेस पाए जाते हैं। इसके अंदर दो तरह की हमें कैनाल्स देखने को मिलती हैं, एक ये जो येलो वाली कैनाल्स हैं और दूसरी ये जो पर्पल वाली कैनाल्स हैं। ये कैनाल्स क्या होती है, बॉडी के अंदर फैली रहती है हर एक सेगमेंट के अंदर। तो जो पर्पल वाली जो कैनाल है वो है डॉर्सल एक्सेप्टरी वेसल, और जो येलो वाली जो कैनाल है वो है वेंट्रल एक्सेप्टरी वेसल। अब इसके अंदर जो डॉर्सल वाली होती है वो डॉर्सल वाली लास्ट वाले सेगमेंट तक नहीं पाई जाती है,
डोर्सल वाली जो होती है लास्ट सेगमेंट तक ये नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर हम वेंट्रल वाले की बात करें, लास्ट सेगमेंट तक ये नहीं जाती है, लेकिन हम वेंट्रल वाले की बात करें तो ये बॉडी के लास्ट वाले सेगमेंट्स तक जाती है। कहाँ तक जाएगी? ये लास्ट वाले सेगमेंट्स तक जाएगी, ठीक है। वहाँ तक ये लंबी फैली हुई रहती है, मतलब हर एक सेगमेंट के अंदर इसमें एक्सक्रीशन के लिए दो तरह की कैनाल्स पाई जाती है, या दो तरह के हम वेसल्स बोल सकते हैं। एक होती है डॉर्सल एक्सेक्टरी वेसल्स, दूसरी होती है वेंट्रल एक्सेक्टरी वेसल्स। डॉर्सल एक्सेक्टरी वेसल्स जो होती हैं वो बॉडी के स्टार्टिंग वाले सेगमेंट के अंदर ही देखी जाती हैं, जबकि जो वेंट्रल एक्सेक्टरी वेसल होती हैं वो बॉडी के लास्ट वाले सेगमेंट्स तक पाई जाती है। इसी के नीचे एक और वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेसल, ठीक है। कौन सी वेसल बोलेंगे? सेकेंडरी वेसल बोलेंगे। ये सेकेंडरी वेसल ही क्या बनाती है? ये बनाती है ट्रांसवर्स एक्सेक्टरी वेसल्स। कौन सी बनाएगी? ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स वाली जो दिख रही है इस तरह के ब्लू कलर में, ये वाली ट्रांसवर्स, ये सेकेंडरी वेसल होती है जो क्या करती है, डॉर्सल वाली को और वेंट्रल वाली को ज्वाइंट करके रखती है। अब ये जो वेंट्रल वाली जो होती है, जो पर्पल कलर वाली जो है, ये वेंट्रल वाली लास्ट वाले सेगमेंट में क्या होती है, ये आपस में दोनों जुड़ करके ये बनाती है। वेंट्रल वाली आपस में जुड़ करके क्या बनाएगी? कॉर्डिकल वेसिकल। वेंट्रल एक्सेक्टरी सिस्टम जो होगा वो लास्ट वाले सेगमेंट के अंदर क्या बनाएगी? वेंट्रल वेसल। ये आपस में जुड़ करके क्या बनाती है? कॉर्डल वेसिकल बनाती है, कॉर्डल वेसिकल, ठीक है। और इसी कॉर्डल वेसिकल से फिर क्या होता है? एक्सेक्टरी पोर बनता है। क्या बनेगा? एक्सेक्टरी पोर बनेगा। और ये एक्सेक्टरी पोर, इसके द्वारा क्या होगा? एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेंट्रल वाली ही जो होती है लास्ट सेगमेंट तक फैली हुई रहती है, डॉर्सल वाली लास्ट सेगमेंट तक नहीं फैलती है, इसलिए वेंट्रल वेसिकल आपस में जुड़ करके कॉर्डल वेसिकल बनाती है। अब इसके अंदर अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लेम सेल्स होती है, फ्लेम सेल्स एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाती हैं, और वो थ्रू डिफ्यूज़न क्या करेगी, थ्रू डिफ्यूज़न के थ्रू क्या करती है, वो वेस्ट मटेरियल को सेल से कलेक्ट करती है, बॉडी के पार्ट से वो लेगी, फिर वो फ्लेम सेल्स जो होगी वो वेस्ट मटेरियल को ला करके या तो डॉर्सल के अंदर या फिर वेंट्रल के अंदर छोड़ देती है। और ये डॉर्सल और वेंट्रल जा करके कहाँ पर मिलेगी? ये मिलती है इस ट्रांसवर्स वाली के अंदर। इस ट्रांसवर्स वाली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं ट्रांसवर्स वाली के अंदर? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कॉज करेंगे। जो सेकेंडरी वेसल होती उसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, और ये सीलिया क्या करते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समस्थैतिक दाब। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है उसको ये कॉज करती हैं, और इसी की वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे पीछे होकर के फिर धीरे धीरे क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, और फिर बाद में सबसे लास्ट में जो एक्सेक्टिव पोर होगा उसके द्वारा ये बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू आएगा? फ्लेम सेल्स के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? फ्लेम सेल्स के थ्रू। फ्लेम सेल्स में किसके थ्रू आएगा? डिफ्यूज़न के थ्रू। इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ ये ब्लू कलर का ये पूरा का पूरा ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला नेफ्रिडियल प्लेक्सस पाया जाता है। ये भी क्या करता है? इसके अंदर एक्सक्रीशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह का इसके अंदर एक सिंपल सा एक्सेक्यूटिव सिस्टम अपन को देखने को मिलता है, जिसमें तीन तरह की कैनाल काम करती हैं, एक डॉर्सल, दूसरी वेंट्रल और तीसरी ट्रांसवर्स। डॉर्सल पूरी बॉडी के हर एक सेगमेंट तक नहीं होती है, वेंट्रल हर एक सेगमेंट तक फैली होती है, और वो लास्ट में जाकर के जुड़ करके कॉर्डल वेसिकल बनाएगी। फिर वो कॉर्डल वेसिकल एक्सेक्टिव पोर के द्वारा एक्सेक्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर रिमूव करती हैं। इसके अंदर एक और ख़ास बात होती है कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके जो सेगमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर जो ग्लोटिड्स जो बनते हैं, ये ग्लोटिड्स क्या होते हैं, पीछे वाले जो मैच्योर ग्लोटिड्स होंगे वो क्या होंगे, बॉडी से रिमूव होते जाएंगे। तो सपोज़ कि इसके अंदर ये वेंट्रल कैनाल आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ करके ये क्या बना रही थी, एक्सेक्टिव पोर बना रही थी। अगर ये सेगमेंट, अगर ये यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया,
क्या हो गया, रिमूव हो गया ये वाला पोर्शन। तो फिर क्या होगा इसके अंदर कि ये जो वेंट्रल कैनाल जो आ रही है आगे वाले सेगमेंट से, ये वेंट्रल कैनाल फिर क्या करती है, डायरेक्टली ये बॉडी के बाहर खुलती है। वेंट्रल कैनाल फिर आपस में जुड़ती नहीं है, ये एक्सेप्टिव पोर का काम करती है और वेस्ट मटेरियल को क्या करेगी, रिमूव करती है। तो कुछ इस तरह का एक्सेप्टिव सिस्टम अपन को देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा, नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी कुछ इस तरह का ही फैला हुआ रहता है, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल नर्व सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी नर्व सेल्स होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम तो इसके अंदर कुछ खास वेल डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसके अंदर नर्वस सिस्टम को हम दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम CNS बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में हम इसको बोलेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारी लंबी लंबी सी लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकली रहती हैं और वो नर्व क्या करती है, बॉडी के हर एक सेगमेंट तक फैली हुई रहेगी और उसी के द्वारा सेगमेंट के अंदर जब वो फैली रहती है तो उसी के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर साइड साइड में कुछ नर्व्स होती हैं जो इसके विसरल ऑर्गन तक जाने का काम करती हैं। तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, पेरिफेरल के अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया, ठीक है, ये हम किस में बात कर रहे हैं, CNS के अंदर बात कर रहे हैं। CNS के अंदर इसमें ब्रेन पाया जाता है, ब्रेन को हम बोलते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया बोलते हैं। और ये सेरेब्रल गैंग्लिया जो होते हैं ये आपस में रिंग के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जिसको बोला जाता है सेरेब्रल कनेक्टेड रिंग, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रिंग। दो गैंग्लिया होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल रिंग बोलेंगे, सेरेब्रल रिंग बोलेंगे, ठीक है। ये भी इसके अंदर दो तरह की होती है, डॉर्सल होती है और वेंट्रल होती है, इसको सेरेब्रल रिंग बोल सकते हैं या फिर हम कमीसर्स के रूप में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कमीसर्स बोलेंगे। कमीसर्स वो होते हैं जो दो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं, दो सेम चीज़ों को मतलब कि सपोज के दो ब्रेन है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों को जो आपस में जोड़ेगा, ठीक है, ये तो कहलाएगा कमीसर, मतलब जो दो सेम गैंग्लिया को साथ में जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, कमीसर। ये हो गया सपोज ब्रेन वाला, ठीक है, बी लिख दिया। यहाँ पर हो गया सपोज कि फेरिंग्स वाले गैंग्लिया या फिर बक्कल वाले गैंग्लिया, ठीक है, फेरिंग्स वाले गैंग्लिया, यहाँ पर पी लिख दिया। जब इसको ब्रेन वाले गैंग्लिया को जब इस फेरिंग्स वाले से जोड़ेंगे तो इन दोनों डिफरेंट गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाले को हम बोलते हैं कनेक्टिव। कमीसर्स और कनेक्टिव के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि कमीसर और कनेक्टिव में क्या डिफरेंट होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर हम दोनों ही चीज़ों को पढ़ते हैं, कमीसर्स को भी पढ़ते हैं और कनेक्टिव को भी पढ़ते हैं। तो कमीसर वो होगा जो दो सेम सेम चीज़ों को जोड़ेगा या दो सेम सेम गैंग्लिया को जोड़ेगा, और कनेक्टिव वो होगा जो दो डिफरेंट गैंग्लिया को जोड़ेगा, टू डिफरेंट गैंग्लिया। और कमीसर क्या हो गया, जो दो सेम गैंग्लिया को जोड़ता है, टू सेम गैंग्लिया। ये डिफरेंस आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की,
तो इसके स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है वो देखते हैं हम। कुछ इस तरह का टीनिया के अंदर नर्वस सिस्टम दिखाई देता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सबसे ऊपर की तरफ ये जो वाला पिंक वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा, ये वाला पोर्शन कहलाता है सेरेब्रल गैंग्लिया। ये सेरेब्रल गैंग्लियन क्या होता है, टीनिया का ब्रेन होता है। और इसी से क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स निकली रहती हैं जो बॉडी की पूरे एंटीरियर बॉडी में फैली रहती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट तक होल बॉडी के अंदर वो नर्व्स फैली रहती है। और इससे जो निकलने वाली जो ये नर्व्स दिख रही है, ये जो साइड साइड वाली जो दिख रही है, ये वाली नर्व होती है मेन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व। और ये टीनिया के अंदर टोटल होती है 10 पेयर। टोटल कितनी होगी ये 10 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स पाई जाती है जो बॉडी के हर एक सेगमेंट के अंदर जाती है। इसी सेरेब्रल गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला जो कनेक्टिव होता है, सॉरी कमिसर जो होता है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, दोनों सेरेब्रल गैंग्लिया को आपस में जोड़ रहा है। ऊपर वाली साइड जब ये रिंग बनी हुई जो है, ये वाली कहलाती है डॉर्सल कमिसर। और नीचे वाली तरफ से भी ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। मैंने इसको यहाँ पर अलग कलर से शो किया है, ये वाला कहलाता है वेंट्रल कमिसर्स। और इसके बीच में ये नीचे की तरफ ये जो पर्पल वाला जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला होता है गैंग्लियोनेटेड ट्रांसवर्स कनेक्टिव। ये क्या करता है, अलग अलग गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि जो ऊपर वाला रोस्टम वाला जो पार्ट है इसको कनेक्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, गैंग्लियोनेटेड ट्रांसवर्स कनेक्ट करने का काम करता है। जो सेम गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे वो क्या है, कमिसर्स, ये वाला और ये वाला। इसी तरह से नीचे की तरफ अपन को यहाँ पर ये ब्लू वाला भी दिखाई देता है। ये ब्लू वाले यहाँ पर भी क्या है, गैंग्लियन पाए जा रहे हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए क्या पाई जा रही है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव पाई जाती है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं, ऊपर की तरफ हमको ये दो नर्व दिखाई दे रही है, एक पिंक और एक येलो कलर की, वो कहलाती है एंटीरियर नर्व। ये एंटीरियर नर्व किससे कनेक्टेड होती है, जो ऊपर की तरफ रोस्ट्रम वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये गैंग्लिया बने होते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं रोस्ट्रल गैंग्लिया। इस रोस्ट्रल गैंग्लिया से क्या होती है, एंटीरियर नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। नीचे की तरफ जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व आ रही है वो तो किससे आ रही है, इस सेरेब्रल वाले पार्ट से आएगी। बीच में जो दो नर्व आ रही है, वो एक जो बीच वाली नर्व होती है वो वाली होती है वेंट्रल नर्व, और सबसे अंदर की तरफ ये वाली जो नर्व है वो वाली कहलाती है डॉर्सल नर्व। क्या कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी डॉर्सल नर्व। तो इसके अंदर हमें इस तरह से हर एक सेगमेंट के अंदर तीन तीन नर्व सेरेब्रल गैंग्लिया के बाद में देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर वाली जो होगी ये वाली लॉन्गिट्यूडनल नर्व हो जाएगी, जो कि लेटरल होगी, दोनों साइड में पाई जाती हैं। फिर बीच में हमको देखने को मिलेगी वेंट्रल नर्व, और सबसे अंदर वाली साइड में देखने को मिलेगी हमें डॉर्सल नर्व। तो ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो जैसे ऊपर की तरफ ये जो एंटीरियर नर्व जो आ रही है येलो और पिंक वाली, ये एंटीरियर नर्व कहाँ पर जा रही है, ये ब्रोस्टम की अलग अलग पार्ट में, ये वाला ये अलग अलग पार्ट में जहाँ जहाँ जा रही है, तो वो वाला क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला कहलाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहलाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी तरह से जो ये डॉर्सल वेंट्रल और लॉन्गिट्यूडनल वाली जो नर्व आ रही है, ये वाली कहाँ पर जाती है, ये वाली जाती है विसरल ऑर्गन के अंदर। कहाँ पर जाएगी, विसरल ऑर्गन के अंदर जाती है। तो ये अलग अलग विसरल ऑर्गन के अंदर, जैसे अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सेप्टिव सिस्टम है, हर एक जगह पर ये जाती है। साथ ही साथ ये जो ट्रांसवर्स वाली होती है, ये ट्रांसवर्स वाली क्या करती है, दो सेगमेंट्स के बीच में नर्व्स को कनेक्ट करके रखती है। जैसे यहाँ से एक सेगमेंट हो गया, ये ऊपर वाला सेगमेंट हो गया, और ये नीचे वाला, तो यहाँ से दो सेगमेंट्स को कनेक्ट करके रखने का जो काम होता है वो काम होता है ट्रांसवर्स कनेक्टिव का। इस तरह से टीनिया के अंदर अपन को नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अंदर विसरल नर्वस सिस्टम VNS हम बोल सकते हैं, जो एबसेंट होता है, या फिर जिसको हम SNS बोलते हैं, वो इसके अंदर क्या होता है, एबसेंट होता है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से कंप्लीट होता है, लाइफ साइकिल में इसके अंदर कौन कौन से लार्वा बनते हैं, होस्ट बॉडी में ये कौन सी स्टेज, किस स्टेज तक ये कंप्लीट करता है,